आयुष और आयुर्वेद का हब बनने की दिशा में गोरखपुर गुरुवार को और आगे बढ़ गया। आयुर्वेद समेत समूचे आयुष पद्धति को मॉडर्न मेडिसिन के समांतर खड़ा करने के मजबूत प्रयास के तहत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के बीच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर MOU हस्ताक्षरित व हस्तांतरित हुआ। इस करार के अनुसार दोनों विश्वविद्यालय आयुर्वेद के सभी क्षेत्रों में शोध की सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश को औषधीय खेती का बड़ा केंद्र बनाएंगे। गुरुवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी के बीच MOU का आदान प्रदान हुआ। इसके पहले महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रदीप राव व आयुष विश्वविद्यालय के कुलसचिव राधेश्याम बहादुर सिंह ने MOU हस्ताक्षरित किए। MOU के अनुसार दोनों विश्वविद्यालय मिलकर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद समेत आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति जन जागरण का अभियान चलाएंगे। साथ ही आयुर्वेद के क्षेत्र में हर उस संभावना पर ध्यान दिया जाएगा जिस पर शोध व अनुसंधान से समाज को हानि रहित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा सके। दोनों विश्वविद्यालयों ने औषधीय खेती को बढ़ावा देने के प्रति भी साझी प्रतिबद्धता दर्शाई। इस अवसर पर आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह ने कहा कि आज हुए करार से गोरखपुर को केंद्र में रखकर पूर्वी उत्तर प्रदेश आयुर्वेद और आयुष का हब बनाने की तैयारी और सुदृढ़ हुई है। आयुर्वेद की समृद्धि से औषधीय खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। औषधीय खेती किसानों की आय को विस्तारित करेगी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने कहा कि आज हस्ताक्षरित और हस्तांतरित हुआ MOU आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन के समांतर खड़ा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप राव, आयुष विश्वविद्यालय के कुल सचिव राधेश्याम बहादुर सिंह, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गणेश पाटिल, डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर दीपू मनोहर, डॉक्टर पीयूष वर्मा, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर प्रिया नायर, डॉक्टर जसोबेन समेत दोनों विश्वविद्यालयों के विशिष्ट जन मौजूद रहे।